अमदावादनी एसवीपी होस्पिटल फरी एक बार विवाद में आई है। स्टाफ ने छूटा करता आउटसोर्सिंग स्टाफे विरोध कर्यो छे। दिव्या चौहान अमारा संवाददाता लाइव जोड़ाई गया छे। दिव्या, एसवीपी होस्पिटल फरी एक बार विवाद में स्टाफ ने छूटो कर देवामां आव्यो अने एमां पण आउटसोर्सिंग स्टाफ अने अत्यारे विरोध कर रहा है, शुं कही रहा है लोको? अंकुर, एसवीपी होस्पिटल फरी एक वक्त विवाद में आई है। कोरोना काल वक्त स्टाफ ने लईने विवाद सर्जायो हतो, फरी ए विवाद हवे उभो थयो छे। कोरोना वोरियर्स तरीके पोतानी कामगीरी करी, परंतु हवे ज्यारे कॉन्ट्राक्ट प्रथा बंद करवाना उद्देश्य साथे फरी एक वक्त हवे अलग अलग मेसेज अने मेल करवामां आव्या अने स्टाफ ने छूटो करवाना मेसेज साथे तमाम जे आउटसोर्सिंग ना कर्मचारीओ हता ते हवे एसवीपी होस्पिटल नी बहार विरोध प्रदर्शन में जोड़ाया छे। साथे ज 100 થી વધારે કર્મચારીઓ છે કે જેમણે કોરોના કાળમાં કોરોના વોરિયર્સ તરીકે કામગીરી કરી, પરંતુ એકાએક હવે મેલ દ્વારા તેમને નોકરીમાંથી છૂટો કરવાનો મેસેજ છે તે આપવામાં આવ્યો છે। તેને લઈને તમામ જે આઉટસોર્સિંગના કર્મચારીઓ છે તે વિરોધ કરી રહ્યા છે। વાત આપણે એમની પાસે જ કરીએ, ક્યા માંગ હૈ આપકી, કિસ તરહ સે આપકા વિરોધ રહેગા ઓર આંદોલન કિસ તરહ સે રહેગા? हमारी मांग यही है कि हम लोगों को बस फिर से रीज्वाइनिंग करवा दो। आप लोगों ने ये कुछ नहीं बोला था हम लोगों की कि आप हम कोई भी देके आपको कुछ भी देके कभी भी आपको रिलीविंग लेटर दे सकते हैं, ऐसी कुछ हमको लेने के टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी हमको। और ये उनका पूरा प्लानिंग के साथ चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है वो हमको नहीं मालूम। हमारे नर्सिंग स्टाफ के सिवाय भी बहुत सारे ऐसे स्टाफ है जिसको निकाले गए, लेकिन हम लोगों का यूनियन बना हुआ है तो हम लोग ही सब सिर्फ बाहर आए हैं। बाकी जीआरई, सिक्योरिटी, पीसीएस स्टाफ सबको निकाला गया है, लेकिन उन लोगों का कोई यूनियन नहीं बना है। इसलिए शुभ मांगनी से तुम्हारी आंदोलन हमें क्या सुधी रहे? मांग तो यही, जो हमको जैसे आपने मतलब मर्जियां जब तो हमको लगा लेते हैं, मर्जियां बैठा देते। पिछली बार जब कोविड था हमारी सैलरी आधी कर दी थी, फिर बाद में हमने स्ट्राइक करी थी कम से कम 5-6 हज़ार जनों ने, फिर जाके हमारी मांगे पूरी करी थी। अब वापस पूरा हमको यूज कर लिया, वैक्सीनेशन हुआ था पूरे अहमदाबाद में, एसपीपी में हमने किया था सब कुछ है, और पूरे गुजरात के अंदर जो भी है सब कुछ हम नर्सिंग स्टाफ करते हैं। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा रोल हमारा था है, और अब हमको यूज कर लिया और वापस हमको यूज करने के बाद हमको निकाला जा रहा है, ये कहाँ की इंसाफी है? 6 घंटे की ड्यूटी होती है, हम 10-10 घंटे करते, कोई ओवर टाइम नहीं मिलता हमको। हाँ, हमारा सैलरी हमको ये नहीं पता, 25,000 सैलरी हमारा, कितना पीएफ कट रहा है, कितना हमारा क्या कहते हैं बोनस कट रहा है, कुछ नहीं बताया जाता। 20,000 हाथ में आता है, और फिर दूसरी हॉस्पिटल में स्ट्राइक पे उतरते हैं जो भी स्टाफ, जैसे एलजी है, वीएस है, तो यहाँ से स्टाफ को वहाँ जॉब करने जाना पड़ता है, वहाँ ड्यूटी करने जाना पड़ता है। हमारी जॉब तो यहाँ पर, हम कॉन्ट्रैक्ट है तो हमको वहाँ भी जाना पड़ता है। શું માંગણી છે તમારી અને હવે ક્યાં સુધી આ માંગણીને લઈને આગળ વધશો? જો બોલતા કે આપકો 30 પીએલ મિલેગી, 30 કે 15 પીએલ કર દી ગઈ, અબ હમકો એક ભી પીએલ નહીં મિલતી હે। एक साल मतलब एक साल के लिए हमारे मना कर दिया कि आपको एक साल तक आप पीएल ही नहीं मिलेगा, आप घर पे नहीं जा सकते। हम राजस्थान, हमारा घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं, जॉब छोड़ के आए हैं यहाँ पर, बाद में आके हमसे ये कहते हैं कि आपको कोई छुट्टियां नहीं मिलेगी, कोई नहीं। अगर हम बीमार भी है तो भी हम ड्यूटी करने आए यहाँ पे हॉस्पिटल में, क्या ताकि हमको दिवाली के लिए छुट्टी मिल जाए, हम घर जा सके। कोविड हुआ था, मुझे एक भी दिन की इमरजेंसी छुट्टी नहीं दी गई थी यहाँ से। कितने लोग हैं आपके साथ और कितने लोगों को मैसेज करके या मेल करके बोला? 500 के समथिंग है हम, और जिनमें से अभी तो 100-150 का अभी आया है और अभी चल रहे हैं वो। और हमको मतलब एक लालच दिया जा रहा है कि आपको सैलरी से बुलाया जाएगा, हम आपको मास शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हम जॉब यहाँ करें, हम राजस्थानी, ये इंटरव्यू लेने राजस्थान गए थे ना कि हम इनके पास आए थे। हाँ, माँ से हमको ये लेकर आए और अब अचानक सडनली हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, ये गलत है। जो आउटसोर्सिंग ना कर्मचारी है तेमनी मांगनी छे कि तेमने जॉब पर राखी लेवामां आवे, साथे ज मेल द्वारा तेमने छूटा करवानो जे मेसेज आपवामां आव्यो तेने लईने तमाम जे स्टाफना तमाम कर्मचारीओ छे ते आंदोलनमां जोडाया छे अने विरोध प्रदर्शन छे ते 100 થી વધારે લોકો ભેગા થઈને અત્યારે કરી રહ્યા છે અને આવતીકાલે પણ આ પ્રકારનો વિરોધ કરશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે। અંકુર જી, બિલકુલ દિવ્યા, સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર।